हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है जेडी स्टडीज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत मैटलैब के बारे में सीखेंगे। ठीक है, मैटलैब का फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। ठीक है, तो मैट्रिक्स लेबोरेटरी आपके क्या काम आती है? तो सिंपल, आपको कोई एप्लीकेशन डिजाइन करनी हो या फिर आप कोई रिसर्च वर्क में हो जहाँ पे कुछ ज्यादा ही बहुत बड़ा मैथमेटिकल वर्क होता हो, है ना, तो वहां पे आपका मैटलैब आपको काम आता है। नाउ हम लोग सीधा चलते हैं मैटलैब पे। तो ये मेरे कुछ डेस्कटॉप है जिसपे आप लोगों को मैटलैब का शॉर्टकट दिखाई दे रहा होगा। ये मैटलैब आपका 2021A है। ठीक है, तो मैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हमें कुछ समय थोड़ी राह देखनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा और बाकी सब आपका प्रोसेसर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका ये मैटलैब का फर्स्ट पेज जो ओपन है वो हो रहा है। देखिए, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज है इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कमांड विंडो के बारे में। तो ये है आपकी कमांड विंडो जहां पे आप अपने कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग आप यहाँ पे लिखेंगे। कोई अच्छा प्रोग्रामर होता है तो सीधा कमांड विंडो में ही प्रोग्राम लिखता है। ओके, ये ऊपर जो है आपका, ये पूरा आपका होम प्लॉट और एप्लीकेशन वाला बार है ना, जिसको हम लोग मेन्यू कहते हैं। ओके नाउ, अब मैं बात कर रहा था आपको कमांड विंडो के बारे में। तो सिंपली आप अगर न्यू है तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कमांड विंडो में आप स्टार्टिंग से कोई भी कोडिंग मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बैकस्पेस का यूज करने को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट जो है वो ओपन करके आप अपना जो भी है, अपने कमांड्स जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे। क्योंकि ये जो है वो एडिटर होता है और इसमें आपको बैकस्पेस के लिए आपको सुविधा मिलती है। आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अपना कुछ भी लिख दिया, जैसे कि ऐसे, तो यहाँ पे मेरा बैकस्पेस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कमांड विंडो में कुछ ऐसा लिखता हूँ तो मेरा बैकस्पेस काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक बार मैंने एंटर मार दिया, अब मेरा बैकस्पेस काम नहीं कर रहा है। देखिए, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे CLC करके मुझे यहाँ पे एंटर मारूंगा तो मैं यहाँ पे पूरा क्लियर कर दूंगा। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी एडिटर की और कमांड विंडो की। अब यहाँ पे साइड में जो आपको दे रखा है वो वर्क स्पेस है। ये जो वर्क स्पेस वाला एरिया है ये क्या काम करता है? तो जो भी आप कमांड विंडो में कमांड लिखेंगे उस कमांड में कुछ वैल्यूज होंगी। मान लीजिए कोई वैल्यू है आपकी, मैट्रिक्स आपने कोई लिखा ए, तो उसकी जो भी वैल्यू है आपकी आपको यहाँ पे देखने को वर्क स्पेस में देखने को मिल जाएगी। सिंपल। ओके, तो आप एडिटर में कुछ भी आप लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हैं और अगर इसको रन करना है आपको, तो यहाँ पे आपको ऊपर रन का सेक्शन दे रखा है, तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करके उसे रन कर सकते हैं। और अगर कमांड विंडो में आप कोई कमांड लिख रहे हैं तो सिंपली आप एंटर मारेंगे, जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद एंटर मारते ही आपका जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल। तो ये तो बात हो गई हमारे मेन स्पेस की। अब हम लोग अगर बात करते हैं, अगर थोड़ा सा अगर मॉडलिंग के बारे में जानते, देखिए क्योंकि मैटलैब में सिर्फ और सिर्फ कमांडिंग ही नहीं काम आती है, मॉडल्स भी हमारे काम आते हैं। तो हम लोग कमांड मॉडल्स के बारे में देख लेते हैं। तो मॉडल्स में जाने के लिए आपके पास कौन सा बार है? तो आपके लिए वहां पे सिमुलिंक, सिमुलिंक है जो कि आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ऊपर ही यहाँ पे आपको सिमुलिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप सिमुलिंक का ऑप्शन स्टार्ट करते ही आपको एक न्यू विंडो खुलेगी, ये आपका सिमुलिंक का स्टार्टिंग का पेज है, कुछ ऐसा खुलेगा आपके लिए। ठीक है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में आपको कुछ मॉडल्स आपको ऑलरेडी जैसे कि आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको ब्लैंक मॉडल ओपन करना है तो ब्लैंक मॉडल ओपन कर सकते हैं, ब्लैंक कोई सब सिस्टम ओपन करनी है तो डायरेक्टली आपको एक सब सिस्टम ऑलरेडी बनी हुई मिलेगी, वहां उसमें आप एडिट कर सकते हैं। कोई ब्लैंक प्रोजेक्ट करना है तो आप ब्लैंक प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से उसे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दिए होंगे, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
जैसे कि आपने कोई ट्रांसमिशन लाइन को ऑटोमेट किया हुआ है ना, कोई फॉल्ट है आपका, ठीक है, ये कुछ आपका पहले से ही कुछ एग्जांपल्स है जो कि ऑलरेडी मैटलैब के अंदर आपको बने हुए हैं, ठीक है। देन आपको क्या करना है, सिंपल सा कोई भी एक ओपन कर देना है यहां से, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कोई ब्लैंक मॉडल ओपन किया, तो आपका यहाँ पे एक स्क्रीन, दूसरी विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं अपने मॉडल्स। ये आपका ओपन हो चुका है, ओके। तो ये भी आपकी एक तरीके से क्या है, एक कमांड विंडो है, एक सिमुलिंक के लिए कमांड विंडो है आपकी ये। तो अगर आपको अब कोई भी सिंपल सा, अगर आपको कुछ भी फाइंड करना है, ठीक है, कोई भी आपको डेटा चाहिए, कोई भी फाइंड करना है, तो आप यहाँ से लाइब्रेरी ब्राउजर में जाके आप उसके मॉडल्स जो है, उसके ब्लॉक्स जो है, उसको यूज कर सकते हैं। सिंपल, आपको इतने सारे ब्लॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ भी आपको ब्लॉक यूज करना है, जैसे मान लो सिंक यूज करना है, सोर्स यूज करना है आपको, है ना, तो आप सिंपल यहाँ पे सोर्स में जाके, जैसे ये है, इसको हम ड्रैग करके भी लिख सकते हैं, ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हैं, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आ गया आपका। अगर हमको इसको राइट क्लिक करके लाना है तो यहाँ पे हम लोग ला सकते हैं, और अगर हमें डायरेक्ट लाना है तो कंट्रोल आई, कंट्रोल आई, तो भी हमारा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग कॉमनली यूज ब्लॉक या फिर आप जो भी यूज यहाँ पे करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो है, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एज एन अदर इंजीनियर्स, आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा सिमस्केप में। सिमस्केप में आपके काफी सारे फंक्शंस है, जैसे आपको ड्राइव लाइन, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है, ठीक है, मल्टीबॉडी कुछ हो गया आपका, कोई फंक्शनल लाइब्रेरी हो गई आपको यूज करनी है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके यहीं पर आपके काम करते हैं, ठीक है। सोर्सेज हो गए, कंट्रोल्स हो गए, कनेक्टर्स हो गए, एडिशनल कंपोनेंट्स हो गए, कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स हो गए, कोई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गए, तो सब आपके यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो कोई भी आप मॉडल बना के उसको ऐसे सिंपल सा ऐसे कुछ आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप अपना सिमुलेशन, जो भी आपने मॉडल बनाया, उसको रन करेंगे यहाँ से, और रन करने के बाद आप उसका आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है, स्कोप के अंदर, ओके। नहीं तो अगर कोई सिग्नल है तो आप यहाँ से सिग्नल टेबल भी आप दे सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको इसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। क्या सिंपल, इसको क्लोज कर दें, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको सेव नहीं करना है हमें, ठीक है। अब ये हमारा जो मेन पेज है, यहाँ पे जैसे कुछ और आपके ऑप्शंस है, जैसे आपको वर्क स्पेस को क्लियर करना है तो यहाँ से आप वर्क स्पेस को क्लियर कर सकते हैं, ओके। कोई वेरिएबल आपको ओपन करने, एडिट करने के लिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ नया वेरिएबल आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से न्यू वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। सिंपल, जो भी आपकी जो भी आपने यहाँ पे कमांड लिखे हैं उसको सेव करना है, तो आपको सेव वर्कस्पेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी कुछ ऐसी विंडो खुल जाएगी जहां पे आपको फाइल का नाम देना है और अपनी मनचाही जगह पे तो उसे सेव कर देना है, सिंपल। और उसे हम लोग फाइल, उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो एक्सटेंशन क्या होगी, .mat, .matlab, यानी .mat, ओके। ऐसा करके आप सिंपल सेव कर देंगे। यहाँ पे मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। सो अगर आपको कोई प्रेफरेंस डालने हैं, प्रेफरेंसेस, तो यहाँ से आप प्रेफरेंसेस एडिटर और डिबगर में डाल सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। आपको जो भी करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। टैब में टैब की साइज आपको मैक्सिमम रखनी है तो आप यहाँ पे 4, ठीक है, ऐसा आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। आपको जैसे करना है वैसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे प्रेफरेंसेज आप सेट कर सकते हैं। बाकी आपके ये कुछ एडवांस बटन हैं जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, ओके। और ये आपका कुछ लेआउट है, लेआउट में आपको अपना लेआउट अगर चेंज करना है तो डिफॉल्ट में आपका लेआउट कुछ ऐसा आएगा। 3 कॉलम बनानी है तो आपकी 3 कॉलम ऐसी कुछ हो जाएगी, ठीक है। ऑल बट कमांड विंडो मिनिमाइज, तो कमांड विंडो ही सिर्फ मिनिमाइज हो जाएगी यहाँ पे, बाकी सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। वर्क स्पेस, करंट फोल्डर, ये सब चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और डिफॉल्ट में अगर आप करना है तो ये आपका डिफॉल्ट हो गया, ठीक है ना। तो आज जो इंट्रोडक्शन था हमारा फ्रॉम मैटलैब के लिए, वो हमने यहाँ पे सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा है, आपको यहाँ पे आई थिंक सो आपको पता चल गई होगी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर आप न्यू है, ठीक
तो मेरी सलाह रहेगी आप एडिटर में जाके ही अपना प्रोग्राम पहले लिखें, ताकि आपको एक बार एंटर मारने के बाद आपको बैकस्पेस करने की सुविधा मिल सके। देखिए हो रहा है बैकस्पेस कुछ इस तरीके से, लेकिन वही चीज आपके कमांड विंडो में पॉसिबल नहीं होगी। ओके, तो आज के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।